न्यूज 25 सालों से आपका और आपके परिवार का ख्याल रखता रहा है। कोरोना काल है और ऐसे में आपकी सेहत का ख्याल रखना हमारा और आपका नैतिक दायित्व है। हमारे देश का योग 6000 साल पुराना है। आपकी सुबह सेहतमंद बनाने के लिए हमने हर दिन आपको योग सिखाने की परंपरा की शुरुआत की है। आज योग गुरु बाबा रामदेव आपका दिन बनाने वाला योग आपको सिखाएंगे। अब हम यद्यपि प्राणायाम और ध्यान का जो एक क्रम है, हम हर रोज भस्त्रिका, कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम, त्रिबंध के साथ, फिर अग्निसार क्रिया, नौली क्रिया और उज्जायी आदि करके फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत और ध्यान कराते हैं। नौली क्रिया तो सबके लिए मुश्किल हो जाती है, श्वास को बाहर छोड़ के। बैठ के करना मुश्किल हो जाता है इसको, खड़े होकर के अपेक्षाकृत फिर भी आसानी से हो जाती है ऐसे। आज के योग प्रोटोकॉल में हम अब ये योग अभ्यास का क्रम तो प्रतिदिन का हमारा रहता है, ये भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जायी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत पहले कपालभाति, अब अनुलोम विलोम, इसके बाद शीतली, फिर भ्रामरी और फिर उद्गीत और ध्यान का अभ्यास। सभी कपालभाति रिदम के साथ करेंगे और योग के प्रोटोकॉल में उल्टे लेट करके बकरासन, फिर भुजंगासन, दोनों हाथ की कोनिया पार्श्व भागों से सटी हुई। आप कपालभाति निरंतर करते रहिए और आगे बढ़ जाएं सभी एक दूसरे के पास। फिर प्राणायाम और ध्यान का सभी सामूहिक अभ्यास करेंगे। ये भुजंगासन बहुत ही उपयोगी है कमर के लिए, पीठ के दर्द के लिए, बैकएक के लिए और ओबेसिटी के लिए भी। भुजंगासन के बाद शलभासन, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे लगा देते हैं थोड़ी जमीन पर और पीछे से पैरों को उठा देते हैं, सीधे लेट करके। तो बंधासन, कंधरासन भी इसको कहते, बीच से उठा दिया। ये पीठ के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। उत्तान पादासन, दोनों पैरों को सीधा करके 30 डिग्री पर ऊपर उठा करके रोक करके रख देते हैं। ये पेट के नाभि के लिए, धारण के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है उत्तान पादासन। फिर पैरों को ऊपर उठा दिया 90 डिग्री पर, अर्धहलासन नीचे ले आई और पवन मुक्तासन। घुटनों से पैरों को मोड़ा, घुटनों को छाती से लगा दिया, सिर उठा करके नासिका को लगा देते हैं घुटनों से। और अंत में शवासन, दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, पूरा देह शिथिल, स्वयं को शिववत और देह को शववत अनुभव करना। हम अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा है। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन हमारे साधन है, हम इनके स्वामी हैं। आत्मान अमृतनम विद्धि शरीर अमृतमेव तु, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। ऐसे देह को साक्षी भाव से देखना और अपने स्वरूप में, अपनी निजता में
जहाँ ज्ञान की, प्रेम की, करुणा की, वात्सल्य की, सुख की, शांति की, सब प्रकार के ऐश्वर्य की, दिव्यताओं की पूर्णता है। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।